अभी हम रायकोट ब्रिज पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे फेरी मीडोज की तरफ जो कि जीप ट्रैक है। और अभी यहाँ पे हमने लंच वगैरह भी की है मेरे साथ, चाय पी लो मुआज़म, और ये दूसरा नमूना हाँ ये मौजूद है। नमाज वगैरह हमने पढ़ ली है और अभी 4 बज रहे हैं, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है क्योंकि आगे यार जीप ट्रैक के बाद 2 ढाई घंटे की आगे हाइक भी है, तो वो भी हमें करनी होगी। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी हम सामान वगैरह भी उठाते हैं और जीप की तरफ जाते हैं। जीप हमारी रेडी है और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं आगे की तरफ। सो वी आर ऑल रेडी। हम कहाँ जा रहे हैं? फेरी मीडोज की तरफ जा रहे हैं। तो अपने हमने जीप की बुकिंग कराई है, जीप की तरफ जा रहे हैं, वे जीप राइड होगी और ये हम अपनी जीप में सवार हो गए। ज़्यादा हमने खाना खाया है और सारा अभी डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी तो 5 मिनट हुए हैं, आगे की सीन आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ऊपर नीचे पीछे। इट्स द सेकंड मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड और ये आप देख सकते हैं बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। इसके अलावा यार इस रोड की एक ख़ास बात यह है ना कि ये यहाँ के लोकल्स ने बनाया है अपने लिए, तो यहाँ पर किसी किस्म की मतलब आपके पास 4x4 हो या जो भी गाड़ी हो आप नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ ये लोकल्स ही गाड़ी चलाते हैं और यही आपको लेके जाएंगे। हम जो चलने लगे, चलने लगे रास्ते रुक गए, अभी आगे से दूसरी जीप आ गई। अभी रास्ता दे रहे हैं यार, ऐसा ये रोड है ना कि मुर्दा इंसान इस पे आप लेटा दो तो वो भी जिंदा हो जाएगा अगर गाड़ी में लेके जाओगे। ये अपनी गपशप स्टार्ट हो गई। अभी हमें ज़रा ब्रेक लेना पड़ गया क्योंकि ड्राइवर जो है तो पेट्रोल डाल रहा है और फिर यहाँ से हम रवाना होंगे। यार आज के सीन जैसे थे कि बस आज के सीन जैसे थे कि यार जब हम नारायण से निकले थे तो जब चिलास साइड पे गए ना तो जितना ज़्यादा बाबूसर पे ठंड होती है ना उससे कहीं ज़्यादा चिलास में गर्मी होती है। पेशावर से कोई डबल ही था, इतनी कोई ज़्यादा गर्मी थी, तो सारा हमारा मूड जो है तो बेड़ा गर्क हो गया था। ये मेरे बिल्कुल सामने आप नांगा पर्वत देख सकते हैं और ये हो गया जूम। अभी हम मौजूद हैं तातो विलेज में और हमारी हाइक यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से फेरी मीडोज तक 3 घंटे की हाइक है, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की डिपेंड करता है। ये पीछे मेरे सारे बॉयज़ हैं और हमसे ज़रा ये गलती हुई कि टाइम का हम ज़रा ख्याल नहीं रख पाए। अभी शाम के 7:45 बज रहे हैं, तो कोशिश करते हैं हमारी ये होगी कि 9 तक हम 2 घंटों में करें। इसके अलावा हमारे साथ सामान बहुत ज़्यादा है, ये कैंपिंग करेंगे वहाँ पे। कैंप है हमारे पास अपना, ये कोई 30-40 किलो का कैंप है 8 बंदों का, वो जो है तो मैंने अपने कांधे पे लिया हुआ है। चलो दिस इज़ आवर ट्रैक।
बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और हमें बहुत देर हो गई है, इसका बाकी तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, पर एक दो इसके हैं वो ये हैं कि एक तो सेफ नहीं होता रात को हाइक करना, इट्स नॉट सेफ, और दूसरा ये है कि यार हम वो रास्ते को उसी तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। खैर वापसी पे इंशाल्लाह ये रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक हमने 15 मिनट्स हाइक किए और शाम की नमाज का टाइम था तो हमें ब्रेक लेना पड़ा, बाकी सारे नमाज पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ ली है, तो नमाज के बाद इंशाल्लाह अब हाइक कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करते हैं कि 2 आवर्स में इसे सम अप करें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत मज़ा आ रहा है, ये हवाएं और ये पानी का शोर बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली फेरी मीडोज तक हम पहुंचने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा हमने मतलब अच्छा कवर किया, जल्दी पहुंचाए। एक मिनट, ये सिंगर इधर आओ यार, और बस थी मेरा दिमाग ओले ओ, और अभी बस 10-15 मिनट का रहता है। फाइनली वी हैव रीच्ड, ये हम पहुंच चुके हैं फेरी मीडोज, और ज़रा लेट थी तो कैंप वगैरह का टाइम नहीं मिला, हालांकि ये पड़ा है हमारा कैंप, इतनी मुश्किल से मैं अपने इन शोल्डर्स पे लाया हूँ, पर हमें रूम अच्छा मिल गया तो हमने सोचा आज रूम पे जो है गुजारा करते हैं। ये है मेरे साथ मेरे बॉयज, इतना कोई फेक रिएक्शन देते हैं ये सारे। चलो और अब हम क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, डिनर। इन्होंने जबरदस्त किस्म की दाल बनाई है, ये आप देख सकते हैं मेरी नाक जो है सारी लाल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आए और बहुत मज़े का इन्होंने डिनर तैयार किया हमारे लिए। अभी डिनर करते हैं, किचन में हम मौजूद हैं इनके। बाबू सर टॉप रिकॉर्ड ब्रेक हीकिंग 3 आवर्स ताता मा सबक खोल हम दी बियाम ताला अंदर दा ऑटो राजी करना ऑटो डायरेक्शन ऑटो राजी।